दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले दोस्तों। दोस्तों रितेश जी बरवड़ भाई साहब जो 2013 की 50,000 भर्तियों को लेकर संघर्षरत हैं, चाहे वो पंचायत राज की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे वो NRHM की हो, आयुर्वेद अधिकारी की हो या शिक्षा सहायक की हो, इसमें संघर्षरत हैं और लगातार इन भर्तियों को पूरा कराने में जुटे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखने शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देख लेते हो तो आपको पूरा समझ में नहीं आता, बाद में आप कमेंट करके पूछते हो कि सर ये शिक्षा सहायक भर्ती के बारे में आपने नहीं बताया, इस भर्ती के बारे में नहीं बताया। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों सभी भाइयों से निवेदन है कि कई लोग आवेदन की कॉफी वन नाम मेरे को लगातार भेज रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि कंटेम में नाम जुड़वाने के लिए मीटिंग होगी, वहाँ कर आप अपना नाम जुड़वा सकेंगे और जो नहीं आ सकता उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था भी रखेंगे, आप चिंता ना करें। दोस्तों आप ये व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके भाई साहब को ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि कंटेम के लिए आपको मीटिंग अरेंज करेंगे, जिसके लिए आपको पहले सूचना 2 या 3 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी, जिससे आप वहां आके अपना नाम जुड़वा सकते हो कंटेंट के लिए, और जो भाई वहां नहीं आ सकता उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था भी रखेंगे, तो चिंता न करें, आप सबको सूचना दे दी जाएगी नाम जुड़वाने के लिए। नोट, कई लोग जो भर्ती को रद्द कराना चाहते हैं वो लोग बेरोजगार संघ के वकील के पास सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और वकील को लालच देने की कोशिश कर सभी दस्तावेज देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आप सबसे निवेदन है अपने संघ की बातें अपने तक ही रखें, वो कहते हैं ना कि पड़ोस में अगर कोई नौकरी लग जाए तो पड़ोसी को इतना दुख होता है कि बस मेरा नंबर नहीं आया तो खुशी और को भी नहीं आना चाहिए, ऐसे बहुत लोग हैं। संघ में संघ की बातों को बाहर फैलाने वालों का नाम कंटेंप्ट में दर्ज नहीं होगा। अब की बार भाई 112 लोगों के लिए जैसे ही लेटर जारी हुआ है तो लोग बस इसी कोशिश में लगे हैं कि इनकी कार्रवाई कैसे फेल करवाएं। आप सबसे निवेदन है कि संघ की बात संघ तक बस कोशिश करते रहो, भगवान एक दिन फल जरूर देगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आप ये एक दूसरे के खिलाफ ना हो, और हाँ एक नौकरी लग गया दूसरा न लगा, ऐसी ईर्ष्या वगैरह आप न रखें। दोस्तों संघ का मामला है, संघ के साथ आप जुड़े रहें शुरू से लेकर अंत तक, और संघ की बातों को दोस्तों एक ही मेरा तो कहना है कि बाहर वालों को न बताएं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो संघ के वकील के पास सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए उनके से कंटेंप्ट की कॉपी लेने के लिए कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों मेरा तो आपसे यही है एक ही गुजारिश है कि आप ऐसी ओछी हरकतें न करें, और भाई साहब जो कर रहे हैं ये 50,000 भर्तियों करवाने की, इसमें आप सहयोग दें, सबका नंबर आएगा दोस्तों, किसी के साथ बुरा नहीं होगा, और भाई साहब जो कोशिश करें उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और कंटेंप्ट में नाम लिखाने के लिए आपकी एक अलग से मीटिंग होगी जिसमें आप लिखवा सकेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना न भूले दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी हम डालें वो आपके पास पहुँच जाए। देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।